आज बनाते हैं ब्रेकफास्ट में बहुत ही हाई एनर्जी हाई प्रोटीन रेसिपी जो बहुत फटाफट भी बनती है और दिन भर आपको एनर्जेटिक फील कराती है। इसके लिए मैंने हरी मूंग की दाल को रात में भिगो दिया था और सुबह इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। साथ में डालेंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च हरा धनिया और इसको पीस कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इस बैटर को फर्मेंटेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं 7 से 8 घंटे के लिए और इंस्टेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हम बनाने वाले हैं चीला, तो इसके लिए स्टफिंग भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाला है, इनको सॉटे करेंगे, थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू और इनको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और बस स्टफिंग रेडी है। इधर बैटर भी रेडी है चीला बनाने के लिए। तवे को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और उस पे बैटर को स्प्रेड करेंगे। आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो गर्मी के हिसाब से एक बहुत ही हल्की फुल्की लंच की रेसिपी है दही का पराठा, जिसको आप किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आटा लिया है, उसमें कुछ सूखे मसाले ऐड किए हैं, थोड़ा सा घी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर इसका आटा गूंथ लेंगे। और दही का पराठा है तो इसमें डालेंगे दही। ध्यान ये रखें कि दही फ्रेश हो, खट्टा बिल्कुल भी ना हो। तो अगर खट्टा होगा तो खट्टा टेस्ट आएगा और पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए फ्रेश दही को ही यूज़ करें। जितना आटा गूंदने के लिए आपको दही चाहिए उतना ही दही इसमें ऐड करें और बाकी पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, दही से ही आटा गूंदना है। आटा गूंद कर तैयार है, इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और तब तक सब्जी बना लेंगे। अब इसका पराठा बेल लेते हैं। तो बस नॉर्मल तरीके से इसका पराठा बेल कर इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। हाँ, इसको अरबी की सब्जी के साथ सर्व किया है और ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही सॉफ्ट पराठा होता है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आप इसको लंच की रेसिपी में जरूर ट्राई करें। शाम के टाइम जब कुछ ठंडा पीने का मन करे तो बना सकते हैं मैंगो लस्सी। इसके लिए मैंने यहाँ एक आम लिया है, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं और फिर इसमें डालेंगे फ्रेश दही। ये मैंने दही मटके में जमाया है, बहुत ही टेस्टी लगता है मटके में जमा हुआ दही और बहुत ही गाढ़ा दही जमा है ये। बस अब इसको मिक्सर में चला देंगे और फटाफट से मैंगो लस्सी तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं साबूदाना के सैंडविच। तो साबूदाना एक बहुत ही हेल्दी फूड ऑप्शन है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। यूजली तो साबूदाना हम लोग व्रत में ही खाते हैं, बट इसको कभी भी डिनर में या इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए साबूदाना को अच्छे से भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको मैशर से मैश कर लेंगे। भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और कुछ और सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। मैश किए हुए आलू डालेंगे और नमक डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सैंडविच मेकर में इसको अच्छे से सेट करने के बाद लो फ्लेम पर इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अच्छे से सेक गया है अब ये दोनों तरफ से और सर्व करने के लिए रेडी है। इसको किसी भी चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं चटपटे से स्टफ्ड कैप्सिकम रिंग्स। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाला है और कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। चटपटा बनाना है तो आप इसमें थोड़े ज्यादा मसाले ऐड करें और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक डालेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। कैप्सिकम को इस तरीके से रिंग्स में कट कर लेंगे और इसके जो सीड्स हैं उनको निकाल देंगे। अब इन कैप्सिकम रिंग्स में जो हमने स्टफिंग रेडी करी है वो इस तरीके से स्टफ कर देंगे। बहुत आसानी से स्टफ हो जाती है और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो भी ये बाहर नहीं निकलती है। थोड़ा तेल डालकर इसको शैलो फ्राई करेंगे, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और तैयार है स्टफ्ड कैप्सिकम रिंग्स, जिनको आप लंच या डिनर किसी में भी सर्व कर सकते हैं। दाल और रोटी के साथ ये बहुत ही डिलिशियस लगती है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।